नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। एक फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है और ये इस तरीके की अपडेट्स हमने अदानी पावर में पहले भी देखी है, जहां पे प्रमोटर्स ने खुद एक्वायर करे थे, बट इस बार नाम प्रमोटर्स का नहीं है, इस बार नाम किसी और का है। तो दोनों ही चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। देखिए, अदानी ग्रुप से अदानी पावर का एकमात्र ऐसा शेयर है जो पूरे के पूरे ग्रुप को आउट परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है, बट अदानी पावर के मुकाबले की तेजी कहीं भी नहीं आई है। अदानी पावर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 120-125 रुपए का लो लगाता हुआ दिखा था आपको, वहां से तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक डबल 200% के रिटर्न दे चुका है, तीन गुना हो गया आप कह सकते हैं। अगर बीते 6 महीने की भी बात करोगे आप तो 65% के रिटर्न है, ऑलमोस्ट 52 वीक हाईस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 387 पे 409 का 52 वीक हाई है, जो ज्यादा दिन नहीं, दो चार दिन पहले ही लगाया है इस स्टॉक ने। अब कंपनी के लिए क्या खबर आई है? देखिए, कंपनी में बड़े निवेशकों ने एडिशनल खरीदारी करी है, ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं, बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्डोर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एक्वायर्ड 1.93% स्टेक इन अदानी पावर बिटवीन 26 सितंबर टू 16 नवंबर। 26 सितंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में आर्डोर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने 1.93% का स्टेक खरीदा है अदानी पावर के शेयर में। ये अपने आप ओपन मार्केट से शेयर्स उठाते रह रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जब कोई बड़ा, अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये तो ऑलरेडी चल गया, क्या करें, आप चल गया ये मत देखो, आप ये देखो कंपनी महंगी है क्या, 7 के पी पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की ग्रोथ भी तो है, पावर की डिमांड भी तो है, बुक वैल्यू के हिसाब से देख लो, पीई के हिसाब से देख लो, किसी भी लिहाज से देख लो, कंपनी आपको महंगी तो दिखेगी नहीं। शेयर का प्राइस उस समय किस्मत थी तो सस्ता मिल रहा था। अब कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, बस मेरे को तो यही टेंशन रहती है, कभी 6,500 करोड़ का प्रॉफिट, 6,500 करोड़ का प्रॉफिट कर देती कंपनी तो कभी सीधे 100-200 करोड़ पे आ जाती है। तो ये जो वॉलिटिलिटी है ना, ये कब रुकेगी कब थमेगी, इसका वेट है मुझे तो, बट अभी तक तो नहीं रुक रही है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अपडेट है। और दूसरी अपडेट ये है, इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DMCC एक्वायर्ड एडिशनल 0.13% स्टेक। तो इमर्जिंग मार्केट DMCC ने भी इसमें लगभग 0.13% स्टेक एक्वायर करा है, और ये जो स्टेक एक्वायर करा है ये भी एक्जेक्टली 26 सितंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में आया है। फिलिंग ने ऐसा बताया, जो रिसेंटली फिलिंग्स आई हैं अदानी पावर की BSE साइट पर, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये डेटा सामने निकल के आ रहा है। अब ओवरऑल देखा जाए तो अदानी पावर का शेयर कैसा दिखता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, कुछ डिटेल्स भी शेयर करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें मैं जो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीनर की मदद से करूंगा। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 7 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है, 105 रुपए की बुक वैल्यू है, 387 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप कह सकते हैं 3.56 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, ठीक है जी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल पे तो बहुत तगड़ा है, क्योंकि शेयर ने भी बहुत बड़ा पैसा बनाया निवेशकों का। अब मैं आपके साथ जैसा कि कह रहा था, कंपनी का प्रॉफिट देखो आप, सिंगल क्वार्टर में सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट आया 6,600 करोड़ का, और जून में था 8,800 करोड़ का, और अगर आप यही प्रॉफिट को थोड़ा पीछे चले जाएं और देखें दिसंबर क्वार्टर में तो 9 करोड़ का था। तो ये जो वॉलिटिलिटी है इसके पीछे दो कारण है, एक अदर इनकम का और दूसरा टैक्स एडजस्टमेंट। तो ये टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से कभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर जाता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कभी अदर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा गिर जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमेशा वॉलेटाइल रहता है। तो ये जब तक सेटल नहीं होगा तब तक तो कुछ कहना मुश्किल ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 70% है, FII के पास 17.5% है, DII के पास फ्लैट है, कुछ ज्यादा नहीं है, 1% से कम है, और पब्लिक के पास 11.72% का स्टेक है, जिसमें भी ओपन इन्वेस्टमेंट पे लगभग 4.7% है। That means पब्लिक के पास केवल और केवल 7% का स्टेक है, आप ये मान के चल सकते हैं। तो इस शेयर में भी बहुत स्कोप दिखता है मेरे को, अगर किसी रीजन से स्टॉक दोबारा मौका दे, गिरावट दिखाए, तो फिर डेफिनेटली इसको लीजिए। अभी रिसेंटली 290 का लो लगाया था, तब मैंने आपसे कहा था ये ड्रीम लेवल है, और उसी दिन 312 हुआ और अगले दिन 350 हो गया। तो मौके मिलते जरूर है अच्छे स्टॉक्स में, बट उन मौकों को कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, उस समय हिम्मत है नहीं है वो कभी कभार मैटर करती है। अब जिसने हिम्मत दिखाई उसने शॉर्ट में जितना पैसा बना लिया, शायद एक साल में जिसने बनाया उसने उतना 3 दिन में बनाया। तो टाइम टाइम की बात है, मौके तो जरूर देते हैं स्टॉक, बट हम लोगों का क्या होता है जब गिरता है ना तो फियर फैक्टर जग जाता है, और सबके इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं है,
सबके होते हैं। अगर मैं ही इतना कॉन्फिडेंट होता तो शायद मैं ही उस समय सबसे ज्यादा पैसा लगा देता। कॉन्फिडेंस उस समय आना मुश्किल हो जाता है। तो बट जो भी है, आपको पहले डिसीजन लेने पड़ते हैं। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।